हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो है सेकेंड पार्ट है, जो आर ओ आर ओ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, आज ये उसका सेकेंड पार्ट है। हमने कल के वीडियो में जो है इस बुक से जो है पहला पार्ट सॉल्व किया था, यानी कि उसमें टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज जो है आर ओ आर ओ से संबंधित सेकेंड पार्ट में जो है कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सिर्फ 12 से 15 मिनट में, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। कल की वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिए थे तो आज उतना नहीं देंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, एक शेयर जरूर किया करें। तो ये कल का हमारा आखिरी प्रश्न था, मतलब 15वें नंबर का प्रश्न था, कि इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो मैंने बताया था कि आप देख सकते हैं कि स्थल पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पर्वत हो सकता है, आपका निम्न स्थल यहाँ भी आ रहा है, इसके बाद अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये भी जो है स्थल का ही भाग है, जबकि सागरीय मतलब हो जाएगा जल का भाग। तो हमारा विकल्प सही हो जाता है ऑप्शन बी, यही ऑप्शन बी यानी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र यह एक स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है। तो ये हमने कल सॉल्व किया था, आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसके आगे, यानी कि प्रश्न नंबर 16। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो आपका ऑप्शन इसमें कूट दिया गया है कि आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो राज्य श्रेणी में जो है पहला स्थान किसे मिला था 2022 में, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया था, और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला भी घोषित किया गया था। व्याख्या देख लेते हैं कि 2022 में जो है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था, ठीक है, 2022 के क्रम में। इसके ये अब पुराना हो गया है, ओल्ड डाटा हो गया है। तो अब डायरेक्ट ये देखेंगे कि पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब शुरुआत की गई थी, तो कब दिया गया था। तो पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 2018 में, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार कब दिया गया, तो यह दिया गया 17 जून 2023 को। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, तो मध्य प्रदेश को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ जिला किसे, जिला का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह गंजम जिला को दिया गया है, जो कि ओडिशा का एक जिला है। तो हमें इतना याद रखना है कि पहला राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब की जाती है, तो 2018 में, और 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, मध्य प्रदेश को, और सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसे मिला है, तो गंजम जिला को, जो कि उड़ीसा का एक जिला है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न है हमारा 17 नंबर का। इसमें प्रश्न है कि भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो है भाग 9A में किसका उल्लेख किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र का या शहरी क्षेत्र का। तो आपको पता ही है कि जो है भाग 9 में जो है ग्रामीण क्षेत्र का किया गया है, जबकि भाग 9A में जो है शहरी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इसकी व्याख्या देने की जरूरत है नहीं, बस थोड़ा सा दे दें कि भाग 9A में शहरी क्षेत्र का उल्लेख है, इतना देखेंगे। और शहरी क्षेत्र के लिए जो है प्रावधान संविधान के किस संशोधन में किया गया था, तो संविधान में संशोधन किया गया था 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है नगर पालिका को जोड़ा गया था, ठीक है। इसके लिए भाग 9 अलग से जो है भाग 9A जोड़ा गया था, और कब, 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, और भाग 9A में नगर पालिका का उल्लेख है, इतना आप याद रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं कि 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। तो आपका ऑप्शन है जैट्रोफा, जावा घास, रोसा घास और गुग्गुल। तो ये भी आपको सभी को पता ही होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जैट्रोफा। जैव डीजल पौधा जैट्रोफा है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे रतनजोत, जैव डीजल,
या जेट्रोफा कहा जाता है। ठीक है, बस इतना देखेंगे। इसके बाद मैंने पहले से पढ़ के और इसके बाद निशान लगा दिया है कि हमें जो है आप सभी को बताना कितना पॉइंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि दिसंबर 2009 में केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन यानी कि NBM शुरू किया था। तो केंद्र सरकार ने नेशनल बायोडीजल मिशन की शुरुआत कब करी थी? तो 2009 में, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है जिसमें पारंपरिक डीजल के साथ जो है 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था। तो बात आप इतना भी याद रखेंगे कि जो है नेशनल बायोडीजल मिशन के तहत जो है डीजल में 20% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य भी रखा गया था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा 19वां प्रश्न क्या है। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धि का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं और जल्दी से देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका व्याख्या। मंदसौर अभिलेख में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा गया था, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? तो वत्स भट्टी ने। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ये आप याद रखेंगे, वत्स भट्टी ने। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम ने ही सर्वाधिक अभिलेख जारी करवाए। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किसने जारी करवाए थे? तो कुमार गुप्त ने। मंदसौर अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? तो वत्स भट्टी ने। बस थोड़ा थोड़ा याद करेंगे, बहुत सारा पूरी बुक में जो है आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा ना याद करें। जितना मैं बोलूँ उतना ही करें, ज़्यादा मत करें। अब देखते हैं 20वां प्रश्न है, पार्वती आर्गा। ठीक है, पार्वती आर्गा राम स्थल, रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पार्वती आर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। यह भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है कूट में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बोथ, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या पूरी तरह अच्छे से देखेंगे। पार्वती आर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है, जो कि प्रश्न में भी दिया गया था। कितने क्षेत्र पर विस्तृत है ये नहीं देखेंगे। इसे फरवरी 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा माइंड रखेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट आप देखेंगे कि सर्वाधिक जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? तो ध्यान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 रामसर साइट है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कितना है? तो 14। 14 रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आपका, देश में अगस्त 2022 तक कुल कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में जो है 75 रामसर साइट हैं, उत्तर प्रदेश में 10 हैं और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14 रामसर साइट है। ये पॉइंट आप क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 21वां प्रश्न, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडिचेरी में जो है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, वर्तमान में कुल 725 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। तो वर्तमान में कितना कृषि विज्ञान केंद्र है? तो 725 है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो आपको बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। वैसे ये डाटा पुराना हो गया है, बट देख लेते हैं, तो छठा स्थान प्राप्त किया था। तो 2021 में उत्तर प्रदेश को छठा स्थान मिला था, लेकिन 2022 में 10वां स्थान मिला है। बाकी के छोड़ देते हैं, अब आगे देखते हैं प्रश्न। 23वां प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सी नदी घाटी, या इसे बेसिन भी कहते हैं, किस नदी का नदी घाटी बेसिन सबसे बड़ा है? जो ऑप्शन में नदियां दी गई हैं इनमें से बताना है। ठीक है, तो कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो सबसे ज़्यादा बड़ी नदी घाटी बेसिन है महानदी की, यानी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका नदी घाटी कितना बेसिन है ये सब लिखा गया है और हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। बस इतना बता दें कि महानदी जो है किस राज्य में बहती है? तो उड़ीसा में बहती है। नेक्स्ट है हमारा 24वां प्रश्न,
सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, डायरेक्टिव यही पूछा है। एक तरफ वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, उनके कि वो किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है, तो बीरबल साहनी किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है ये देखते हैं। प्रश्न में यही दिया गया है, डायरेक्ट इसके आंसर पर आते हैं। तो इसके आंसर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सिर्फ दो याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि दो अगर आप इनमें से दो याद कर ले जाएंगे तो आपका चार जो है इस ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो ये कूट दिया रहता है, अगर दो आप पकड़ ले जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है कि जो है चार हमें मैच करना पड़े, नहीं तो आंसर जो है हमारा दो से मिल जाता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो है बीरबल साहनी किससे संबंधित है, तो वनस्पति से संबंधित है, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। अब देख लेते हैं इसका सही जवाब। तो मैंने रेड पेन से निशान बनाया है, बस आपको यही दो आपको याद करना है। तो बीरबल साहनी किससे संबंधित है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान से। इसके बाद केसी मेहता पादप रोग विज्ञान से संबंधित है, पी महेश्वरी भ्रूण विज्ञान से, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से। ये तो आप ये तो हर एक बच्चे को पता होगा, एम एस स्वामीनाथन किससे संबंधित है, हरित क्रांति से। तो ये तो याद हो गया। एक और हम याद करवा देते हैं यहीं पर, बीरबल का दिमाग बहुत तेज था ऐसे बोलते हैं, और दिमाग तेज कैसे होता है, वनस्पतियों को खाने से, ठीक है, हरे साग साग पौधे साग सब्जी खाने से, जो है जो हरी चीज़ें होती है उसको खाने से जो है दिमाग तेज होता है। तो बीरबल का दिमाग तेज था, तो बीरबल क्या खाते थे, वनस्पतियाँ खाते थे, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। 25वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास्प प्रायोजित की गई, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, इसमें सिंपली क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ से देखेंगे डी ए एस पी, तो ये क्या हो जाता है, डास्प, ठीक है, ये डास्प हिंदी में हो जाता है। तो डास्प जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो है अब देखते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी विश्व बैंक के द्वारा। व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं, विविध कृषि सहायता परियोजना यानी डास्प का प्रथम चरण 23 सितंबर 1998 को विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। तो प्रथम चरण जो है डास्प का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो विश्व बैंक के द्वारा। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा है, ठीक है, इतना आप याद रखें, कौन है, अजय बंगा है विश्व बैंक के अध्यक्ष। और विश्व बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क, आई थिंक सॉरी जो है न्यूयॉर्क में नहीं है, ये कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह है वाशिंगटन डीसी में। वर्तमान में विश्व बैंक के हेड कौन है, तो यह है अजय बंगा, ठीक है, तो कौन है, अजय बंगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें यही बात कहा गया है कि डास्प का जो प्रथम चरण था किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो विश्व बैंक के द्वारा, और कब, 1998 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि द्वितीय चरण कब शुरू किया गया था, तो द्वितीय चरण शुरू किया गया था 2007 में, और किसके द्वारा, तो यह राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 26वां प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी। मैं आप सभी को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो भी योजनाएं हैं उसको मैंने कल के वीडियो में समाप्त कर दिया था, आप सभी एक बार उसको जरूर देखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 2017 में, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य 2022 तक जो है किसानों की आय दुगनी करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शेरशाह सूरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पॉइंट आपको बताना है। तो वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे, ये तो बिल्कुल बात सही है। सेकंड देखते हैं, हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उतनी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, ये पॉइंट गलत है, यह भी जो है उल्लेखनीय था, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं इनका कि थोड़ा यहाँ से देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी ना सिर्फ एक शासक के रूप में प्रख्यात थे, बल्कि वह एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है हमारा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2022, वैसे एक बार रिवीजन करेंगे इसके बाद छोड़ देंगे। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, तो ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन 2022 में कहाँ किया गया था, तो हैदराबाद में किया गया था।
तो देख सकते हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बारे में और कुछ पढ़ने लायक नहीं है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी। कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? तो किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं, शेरशाह, अकबर, शाहजहां। तो सही जवाब हो जाएगा आपका शेरशाह ने। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेरशाह ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए यह मस्जिद बनवाई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादित है? इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 2021 के वन रिपोर्ट के आधार पर जो है किस कितने जिलों में जो है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा आपका 17। इसकी व्याख्या देखते हैं, और पूरा व्याख्या देखना है आपको क्योंकि इससे क्वेश्चन आगे भी मिल सकता है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्र फल पर वन आच्छादित है। ठीक है, तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं कि उनमें जो है उनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक वन पाया जाता है। देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यानी कि कह सकते हैं कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? तो पूरे भारत में जो है 24.62% क्षेत्र पर जो है वन पाए जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो यह आई थी 1988 के अनुसार। देश में यह बात कही गई थी कि जिस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में उसका जितना आकार है उसके आकार का 33% भाग पर वन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप ये सर्कल ले लीजिए। ठीक है, ये आप एक सर्कल लेंगे, इसमें बोला है कि इसका जो 33% भाग होगा चाहे वह राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, ठीक है, तो इतने क्षेत्रफल पर जो है वन पाना मतलब वन पाया जाना चाहिए। तो यह नीति कब लागू करी गई थी? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत यह बात कही गई थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है कि दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था? तो आपका विकल्प सही हो जाएगा सिमोन बाइल्स। इसको जो है व्याख्या नहीं देंगे क्योंकि ये पुराना प्रश्न हो गया है। इसमें पूछा गया है कि जो है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ है, कौन सा संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया है, उसे क्रम से लगाइए। ठीक है, तो इसमें चार जो है योजना दिए गई हैं, तो इनमें से बताना है कि सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद किसकी हुई है और सबसे बाद में किसकी की गई है। तो ये आपका कूट हो जाता है। ठीक है, हम डायरेक्ट जो है आंसर पर चलते हैं और आपको यहीं पर याद करवा देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको दो नाम तो डेफिनेटली पता होगा, आप इसको छोड़ दीजिए। जैसे पहला हो जाता है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। इसके बाद नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये तो सभी ने नाम भी सुना होगा और इसको याद भी करना है। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। इसके बाद स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 1992 से 1993 में। ये भी किसी ने नहीं सुना होगा तो ज़रूरी नहीं है आप इसे याद करेंगे, नाबार्ड वाला। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, तो ये भी सबको पता है 1998 में। तो दो योजना याद करेंगे, आगे फिर आएगा, फिर उसमें याद कर लेंगे। ठीक है, तो एक दो करके याद करेंगे, ये नहीं चारों याद कर ले। ठीक है, तो आगे चल के प्रॉब्लम ना हो उसके लिए सिर्फ दो याद करेंगे। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1998 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको बता दें यहाँ पे कि नाबार्ड के वर्तमान हेड कौन है, तो यह है केवी साजी। ठीक है, तो नाबार्ड के वर्तमान में हेड कौन है, तो यह है केवी साजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न हमारा 33वां। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें पूछा गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। ठीक है, 2022 की बात कर रहा है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो पांडिचेरी में किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है 22वें क्रम का जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव था वो पांडिचेरी में आयोजित किया गया था, लेकिन यह 20वें क्रम का नहीं था, यह 25वें क्रम का थी 25वें क्रम का था। ठीक है, अब डायरेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, और इसके बाद जो याद करना वो मैं बता दूंगा, वो पुराना था अब नया देखेंगे आप। राष्ट्रीय युवा महोत्सव वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब शुरू किया गया था, 1995 में। 2023 का देखते हैं, तो 12 जनवरी 2023 को 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, कर्नाटक के हुबली जिला में। ठीक है,
तो ये अब क्वेश्चन बन सकता है आरओआरओ में कि जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी। तो 1995 में 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का कौन सा क्रम है, तो 26वां क्रम है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो कर्नाटक के हुबली जिला में किया गया है। और इसकी थीम भी याद रखेंगे, और इसका थीम क्या है, विकसित युवा विकसित भारत, यह इसकी थीम है। क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था, तो इसमें एक्सप्लानेशन देने की जरूरत नहीं है, 2001 में। ठीक है, अब डायरेक्ट चलते हैं अपने 35वें प्रश्न पर। 35वां प्रश्न है, नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर शीर्ष 3 स्थानों में से शामिल नहीं है, यह भी पुराना प्रश्न हो गया है, तो विकल्प आपको डायरेक्ट बता देते हैं, तो इंदौर शामिल नहीं था। आगे देखते हैं, हमें वैसा प्रश्न याद करना है जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमें करंट अफेयर पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1992 ईस्वी में, यानी कि आपका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन बी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ठीक है, और इसके जो है हेड कौन होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का हेड होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, इतना याद आप रखेंगे। ठीक है, तो जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इतना आप याद रखेंगे। और इसका गठन कब किया गया था, 1952 ईस्वी में, इतना याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहते हैं, का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिडबी का मुख्यालय मैंने बताया कहाँ पर है, लखनऊ में है। और सिडबी की स्थापना कब की गई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी। इसके बाद जो है वर्तमान में सिडबी के हेड कौन है, तो श्री सुब्रमण्यम रमन जी जो है वर्तमान में सिडबी के हेड हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिंगल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में घनत्व मापने में किया जाता है, तो रिंगल मैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में किया जाता है, तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसको जो है कब मतलब विकसित किया गया था, तो रिंगल मैन स्केल का जो है कब शुरू किया गया था, तो 1988 में इसे विकसित किसके द्वारा किया गया था, तो जो है इसका विकास किए थे मैक्स मिलियन रिंगल मैन। ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर जो है इसका नाम भी रख दिया गया रिंगल मैन, जो कि धुआं के घनत्व को मापा जाता है। आगे देखते हैं, ये एक जो है इसमें जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के मामले में दिया गया है, आप कह सकते हैं कि यह रीजनिंग के मतलब रीजनिंग पर आधारित है। इसमें एक किताब के संदर्भ में निम्नलिखित सूचनाएं दी गई हैं, उसमें सबसे पहले पेज पर क्या आता है, दूसरे पेज पर, तीसरे पर, चौथे पर, इस तरह से 5 इसका दिया गया है। तो इनमें से आपका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले एक किताब के संदर्भ में जो तार्किक व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार से, तो पहले पेज पर शीर्षक होता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे उसके विषय सूची के बारे में लिखा रहता है, फिर प्रस्तावना रहता है कि उस किताब में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, फिर अध्याय शुरू हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2, और लास्ट में उसका अनुक्रमणिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती, तो इनमें से कौन सा ऐसा अनुसूचित जनजाति है जो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। मैंने यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी टॉपिक थे हर एक क्षेत्र में सबको अच्छे से करा दिया है, आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो भी मैंने मैप के माध्यम से कराया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मैप बना के अच्छे से समझाया है। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि वाराणसी जिले में कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सहरिया। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ललितपुर में पाई जाती है, जबकि वाराणसी में चेर, गोंड, खरवार, धुरी और ओझा और नायक, ये सभी जनजातियाँ जो है अनुसूचित जनजातियाँ वाराणसी में पाई जाती है। आज का आखिरी प्रश्न है, इसकी थ्योरी नहीं देंगे, बस वीडियो समाप्त करेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस प्रदेश से प्रवेश करती है, तो आपको पता है बिजनौर से प्रवेश करती है, इसको हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें, बहुत मेहनत लगती है आप सभी के लिए, इतना कुछ करते हैं, बस थोड़ा सा एक शेयर कर दिया करें। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।